स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 9 मीटर, बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर, सी डी इक्वल्स टू 5 मीटर एंड ए डी इक्वल्स टू 8 मीटर। How much area does it occupy? Okay? देखो, एक पार्क है, पार्क जो शेप है, पार्क का जो शेप दिया है वो क्वाड्रिलेटरल शेप दिया। क्वाड्रिलेटरल शेप मीन्स एनी फोर साइडेड शेप विच इज क्लोज। कोई भी फोर साइडेड शेप होना चाहिए, जो क्लोज होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। उसमें आपको बोला गया है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी जो है वो 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर एंड ए डी इज 8 मीटर। और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना एरिया है हमको वो निकालना है। okay? देखो, आपको मैं डायग्राम, आपको हमेशा डायग्राम एलएचएस की तरफ बनाना होता है। देखो, मैंने आपको बना के दिया ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। मैंने क्यों ए बी सी डी ऐसे लिखा? वैसे आपको जब भी नेमिंग करना है, वो साइक्लिक या आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपको दो तरीके से करना होता है। देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि जो एंगल सी है वो कितना है? 90 डिग्री। इसलिए मैंने एंगल सी को यहां पे लिया, क्योंकि सी कैसे होता है, 90 डिग्री कैसा होता है? आपका स्ट्रेट लाइन है। अब जो दिया है वो लिखिए, ए बी इज 9 मीटर, बी सी इज 12 मीटर, सी डी इज 5 मीटर एंड ए डी इज 8 मीटर। देखो, आपको सभी दे दिया है, बट हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? मैं इसका बीच में से डायगोनल बना देती हूँ। यहाँ पे एक ट्राइंगल है और यहाँ भी क्या है? एक ट्राइंगल। ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया को और इस ट्राइंगल के एरिया को जब मैं प्लस कर दूंगी तो मुझे दोनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। मतलब मेरे को ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना पड़ेगा और फिर ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के आंसर को क्या कर देना पड़ेगा? प्लस कर देना पड़ेगा। तो पहले आप इस ट्राइंगल के एरिया को निकालिए। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये? बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, देखो इसमें आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, थर्ड साइड आपको जो बी डी है वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप एरिया कैसे निकाल सकते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस भी दिया है और हाइट भी दी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमको बेस भी गिवन है। बेस क्या है यहाँ पे? बीसी। हाइट क्या है? डीसी। हाफ इंटू बेस इज 12 एंड हाइट इज 5। 30 मीटर स्क्वायर। इस एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया मुझे कितना मिल गया? 30 मीटर स्क्वायर, इसलिए मैंने उसके अंदर लिख दिया। अब देखिए, आप यहाँ पे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है कि आपको कोई बेस पता होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट पता होगी, ये उस टाइप का ट्राइंगल नहीं है। इसमें हाइट भी हमको ऐसे गिवन नहीं है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम बीडी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो हम बीडी निकाल देंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमें बीडी मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज बीडी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज डीसी स्क्वायर एंड बेस इज बीसी स्क्वायर। अब देखो, डीसी 5 स्क्वायर प्लस बीसी इज 12 स्क्वायर। देखो, 5 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 प्लस 12 स्क्वायर इज 12 इंटू 12।
into 5 is 25 plus 12 into 12 is 144. यहाँ पे बता देती हूँ आपको, BD square is equals to 25 plus, आप दोनों को प्लस करोगे 25 plus 144 is 169. अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 169. अब आपको एट्थ क्लास पे मैंने अंडर रूट, स्क्वायर रूट ये सब निकालना सिखाया था. अंडर रूट 169 किसका स्क्वायर है, अगर आपको नहीं आता तो आप एलसीएम ले सकते हो. देखो 169 13 से करोगे तो 13 वन जा 13, 14 15 16, यहां पे 3, 13 3 जा 39, ठीक है, 13 into 13. जब आपका पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है, 13 बाहर आ गया, तो आपको बीडी, ये जो बीडी है वो कितने मिली, 13 मीटर. कितना मिला, 13 मीटर मिल गया आपको. अब आपके पास जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी, इसमें थ्री साइड ऑलरेडी गिवन है. जब आपकी थ्री साइड जब रहती है तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करते हो. आप हेरॉन्स फॉर्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे. नेक्स्ट, आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया था, अब यहां पे निकाल लो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया. क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी है. आप ए बी और साइड, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप अलग से बना लीजिए ऐसे, ठीक है, 8 मीटर 9 मीटर और 13 मीटर, ये है ए डी और बी. तो इस साइड को, एक साइड को मैं ए कंसीडर कर लेती हूं, सॉरी 13 मीटर, ए इक्वल्स टू 13 मीटर, बी इक्वल्स टू 8 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 9 मीटर. मैं हेरॉन्स फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकती हूं, लेट ए इक्वल्स टू 13 मीटर, बी इक्वल्स टू 8 मीटर एंड सी इक्वल्स टू 9 मीटर. आपका हेरॉन्स फॉर्मूले का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, ए बी डी, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है. अब पहले आप एस निकालिए, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए इज 13 प्लस 8 प्लस 9 बाई टू. प्लस करोगे 13 प्लस 8 इज 21, 21 प्लस 9 इज 30, 30 by 2, आपने कट किया तो कितना आया, 15 मीटर. अब आप नेक्स्ट निकालिए एस माइनस ए, एस माइनस ए मीन्स 15 minus 13 इज 2 मीटर, एस माइनस बी इज 15 minus 8 इज इक्वल्स टू 7 मीटर एंड एस माइनस सी इज इक्वल्स टू 15 minus 9 इक्वल्स टू 6 मीटर. आप 15 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा, 15 माइनस 8 कितना होता है 7 और 15 माइनस 9 कितना होता है 6 मीटर. अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, देखो एरिया अंडर, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है एस, एस कितना है 15, एस माइनस ए इज 2 इंटू 7 इंटू 6 और 15, आपको 15 कैसे लिख सकते हो, आपको पेयरिंग बनानी है यहां पे. तो 15 के लिए कैसे करोगे, 3 into 5, 3 5 15, आप 2 को एज इट इज रहने दीजिए, 7 को भी रहने दीजिए, क्योंकि 2 1 2 होता है और 7 1 7 होता है, 2 और 7 किसी के भी टेबल में नहीं आते. 6 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 3 6. अब देखो पेयर बन गए, 3 का पेयर बन गया तो वो बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया तो वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 5 into 7, 3 2 6, 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर. अब आपको इसका एरिया मिल गया 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर. इस ट्राइंगल का एरिया था 30 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे 6 अंडर रूट 35 इसका एरिया है. देखो आपको मैंने एट्थ क्लास में अंडर रूट निकालना सिखाया था, अंडर रूट 35 लॉन्ग डिविजन मेथड से आता है आपको निकालना, लॉन्ग डिविजन मेथड. अंडर रूट 35 निकालने के लिए 35 आपको पेयरिंग बनानी होती है, दो दो की पेयरिंग बनाते हो तो कैसे आएगा, 5 5 20 25 माइनस
10। अब आप पॉइंट लगाओगे उसके बाद भी पेयर ही रखोगे जीरो के, तो यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, डबल कर देते हैं 10। अब कितने टाइम्स आएगा, 109 × 9 करोगे आप तो 981 आएगा, तो आपका माइनस आया। अब देखो अंडर रूट 35 की वैल्यू कितनी है, 5.9। 6 × √35 की वैल्यू रखोगे 5.9। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, देखो 5.9 × 6, 9 × 6 = 54, 6 × 5 = 30, 30 + 5 = 35, 35.4 मीटर स्क्वायर। देखो इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो यहाँ पे ट्राइंगल था इसका एरिया कितना है, 35.4 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया कितना है 30। इन दोनों के एरिया को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट हमें देखो दोनों ट्राइंगल का एरिया मिल गया, तो अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल पाएंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, कैसे निकलेगा, दोनों ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे हम, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे कितना है 30 प्लस इसका एरिया कितना है 35.4, दोनों को प्लस करेंगे 30 + 35.4, देखो 35.4 प्लस, तो कितना आएगा 4, 5, 3 + 3 = 6, 65.4 मीटर स्क्वायर इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है एरिया, ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू।